हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द द्विवेदी फैमिली में। फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बनाएंगे उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम अपने किचन में कौन सी रेसिपी बनाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे कलरफुल टूटी फूटी। ये टूटी फूटी मार्केट की टूटी फूटी से कहीं अच्छी हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कच्चा पपीता। ये कच्चा पपीता मैंने अपने किचन गार्डन से ही लिया है, तो आजकल पपीते बहुत लगते हैं, तो आप लोग भी इसे ट्राई करिए। अब इसके लिए हमें करना है, ये पपीते को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद हमें इसे छील के इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इसे छील लिया है। उसके बाद मैं इसे बीच में से कट करूंगी। बस टूटी फूटी बनाने के लिए फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना है कि जो हम पपीता ले वो अच्छी तरीके से कच्चा हो। तो ये जो मैंने पपीता लिया है बहुत अभी कच्चा है। तो देखिए, उसके बाद हमें इसको लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये पपीते का बीज का एरिया है इसको हमें निकालना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है। तो इस तरीके से हम इसके लंबे लंबे स्लाइस करके इसको अलग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, ऐसे करके हमें हर एक स्लाइस को साफ कर लेना है। तो मैं अपने सारी पपीते की स्लाइस ऐसे रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से, अब हमें क्या करना है कि इन पपीते को बीच से कट करके छोटे छोटे पीसीस में, इस तरीके के पीसीस में रेडी करना है। तो इस तरीके से मैं अपने सारे पपीते को रेडी कर लेती हूँ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि पीस ज़्यादा मोटे और बड़े ना हों। तो ऐसे हम अपने सारे पीसीस रेडी कर लेते हैं, उनकी थिकनेस लगभग इतनी होनी चाहिए। तो लीजिए, मैंने अपने सारे पपीते कट करके रेडी कर लिए। तो अब इसके लिए हमें नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे कि हम पैन में पानी चढ़ाएंगे और इस पानी को बॉयल होने देंगे। फ्रेंड्स, टूटी फूटी कलरफुल होती हैं, बच्चों के खाने में डालिए, बच्चे शौक से खाते हैं। तो ये पानी बॉयल हो गया है, तो उसके बाद मैं इसमें अपने कच्चे हुए पपीते ऐड कर लूँगी। और फिर हम इसे ढक्कन रख के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 या 3 मिनट तक। आफ्टर 3 मिनट बाद फ्रेंड्स देखिए अच्छे से बॉयल हो गया और लगभग ये हाफ बॉयल हो गया है। अब हम इसे पानी से अलग कर लेते हैं। टूटी फ्रूटी का यूज़ हम किसी भी डिज़र्ट में कर सकते हैं, इससे टेस्ट बढ़ता है डिश का। तो देखिए ये अच्छे से अलग हो गया। अब हम बनाएंगे इसके लिए चाशनी। उसके लिए मैंने 2 कप पानी डाला है और उसमें मैंने 2 कप चीनी डाला है। तो मेरा पपीता लगभग 400 ग्राम था, तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम चीनी लिया है। तो जब चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगा और ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा, तो हमें अपने पपीते के पीसेस इसमें डाल देने हैं। और अब हमें इसे खुले में, इसमें ढक्कन नहीं रखना है, खुले में ही 3 से 4 उबाल तक आने तक इसे पकाना है, ताकि जो पपीते के पीसेस हैं वो शुगर सिरप को अच्छे से एब्जॉर्ब कर दें। कई बार टूटी फ्रूटी की हेल्प से कोई सिंपल सी डिश बहुत सुंदर लगती है और उसको खाने के लिए इंसान एक्साइटेड होता है, तो इसलिए टूटी फ्रूटी का यूज़ भी कई डिशेस में किया जाता है। तो देखिए ये मेरा हो गया है, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स मैंने इन्हें 4 बाउल्स में ऐसे शुगर सिरप के साथ डाल दिया है। अब मैं इसमें फूड कलर डालूंगी, क्योंकि मैं 4 कलर की टूटी फ्रूटी बना रही हूँ। तो मैं ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन
इस कलर की टूटी फूटी रेडी करूँगी। तो ऐसे ही मैं अपनी चारों बॉल्स रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कुछ मैं इस टाइप से क्रिएटिव करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए और आपके मैसेज मुझे प्रोत्साहन देते हैं कुछ नया करने के लिए। तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी बनाई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो देखिए, मैंने अपने चारों टूटी फ्रूटीज़ के कलर डाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स, मैं इसे 6 से 7 घंटे ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि सिरप और कलर पपीते अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। तो 6 से 7 घंटे हो गए हैं फ्रेंड, उसके बाद देखिए ये अच्छे से घुल गए हैं। अब हम शुगर सिरप से अपनी टूटी फ्रूटीज़ को अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें सबका शुगर सिरप से सारी टूटी फ्रूटी अलग कर देनी है और उसके बाद हमें इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। तो जब ये अच्छे से ड्राई होंगी तो हमारी टूटी फ्रूटी रेडी हो जाएंगी। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है। तो आप लोग भी घर में टूटी फ्रूटी बनाने की कोशिश करिए, बहुत इजी रेसिपी है और आप आराम से टूटी फ्रूटी घर में बना सकते हैं। हम ये टूटी फ्रूटी किसी भी डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं। इनका कितनी कलरफुल है और मार्केट के कलर से भी बहुत फाइन कलर आया है। तो आप ट्राई करिए, टूटी फूटी घर में बनाइए। आजकल तो वैसे भी कच्चे पपीते बहुत लगते हैं, तो आप टूटी फूटी बनाना ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।